नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं विधायक कैथल रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे वाल्मीकि जयंती समारोह में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के हरियाणा की खट्टर सरकार तक गरीब समाज और अधिकारों पर कुठारघात कर रही है। गरीब समाज पर अत्याचार हो रहा है, भेदभाव, नफरत और बंटवारे का बोलबाला है। गरीब समाज आज तिरस्कार से ग्रस्त है, बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला। अब देख रहे हैं कैथल पल पल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। कैथल के वाल्मीकि समुदाय केंद्र में वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि जयंती मनाई गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं विधायक कैथल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। वहीं जिले भर में वाल्मीकि समाज के लोग इस समारोह में पहुंचे थे। इसको लेकर के सुरजेवाला भी वाल्मीकि जयंती में पहुंचे और उनका स्वागत वाल्मीकि समाज से पगड़ी पहना करके किया। वह फूल माला डाल करके उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया, क्योंकि उनके मुताबिक वाल्मीकि समाज ने उन्हें अपना समझा है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चाहे वह किसी भी जयंती समारोह है या फिर महापुरुष का जन्म बनाने को लेकर के नेतागण लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज भी इस समारोह में लोगों ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को भावी सीएम कहकर के नारे भी लगाए। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी से लेकर के हरियाणा की खट्टर सरकार तक गरीब समाज के अधिकारों पर कुठारघात कर रहा है। गरीब समाज पर अत्याचार हो रहा है और भेदभाव, नफरत तथा बंटवारे का बोलबाला है। गरीब समाज आज तिरस्कार से ग्रस्त है। वाजपेयी सरकारों ने जिस प्रकार से गरीबों की स्कीमों को बंद किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र भी किया जा रहा है, जिस प्रकार संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है और उसकी साजिशें रची जा रही है, हम इसकी न केवल निंदा करते हैं बल्कि इस कार्यक्रम से आह्वान भी करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम गरीब समाज की लड़ाई निर्णायक तरीके से लड़ेंगे। जब तक सरकारों को हम उनकी ड्यूटी पर नहीं झुका देंगे, लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगा करके कर्मचारियों ने दमन चक्र चलाया है, कर्मचारियों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की है। सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर बात तो करते थे जहाज उड़ाने की, लेकिन उन्होंने तो रोडवेज को ही बंद कर दिया। ये उनकी सरकार की नाकामी है और यह जीता जागता ज्वलत उदाहरण भी है। कभी आंगनवाड़ी वर्करों को सड़क पर आना पड़ता है तो कभी कंप्यूटर के टीचरों को मारा जाता है। अब यह हर बार की तरह हो गया है, क्योंकि अब रोडवेज कर्मियों की बारी आई है, उनकी नौकरी छीननी जा रही है। यह हमें कदापि मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के दमन चक्र के खिलाफ खड़ी है। कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए और उनकी मांगों का निराकरण होना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि जिसमें वाल्मीकि समाज के प्रति उन्होंने कहा है कि यह समाज सिर्फ सफाई करने के लिए ही बना है। वाल्मीकि समाज का काम सफाई करना है, इससे उनको परम आनंद की विभूति होती है। यह आपका और मेरा काम क्यों नहीं है? किसने लिखा है? किसने आपको यह ज्ञान और बुद्धि दी? आज तक उन्होंने इसके लिए ना माफ़ी मांगी है और ना ही पुस्तिका वापस लिया है। उस पुस्तक के ऑथर हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने इस पुस्तिका में ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं जिनको साझा करना शोभा नहीं देता। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा आरोप लगाया है। अब इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या सीधा असर पड़ता है, इसका तो आने वाले समय में जवाब क्या देती है बीजेपी, ये देखना होगा। इस पुस्तिका में क्या लिखा है ये भविष्य के गर्भ में है और हम आपको जरूर बताएंगे। इस पुस्तक को लेकर के सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया है। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। हम फिर मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी को कर्म योग नामक पुस्तक में वाल्मीकि समाज का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए और उस पुस्तिका को वापिस लेना चाहिए। मैंने इसलिए चर्चा की, इसलिए नहीं कि मैं राजनीति में उनका विरोधी हूं, इसलिए चर्चा की उस पुस्तिका की कि ये सरकार की वाल्मीकि रामदास या समाज के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। भेदभाव और बंटवारा
बड़े छोटे का भाव, घृणा, नफरत, जब आपकी आत्मा की कुंठा की कुंडली बनी हुई हो तो आप न्याय कैसे करेंगे राजा की गद्दी पर बैठकर। और इसीलिए आज तक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ना वो पुस्तिका वापस ली ना माफी मांगी। 5 बार मैं उनसे राष्ट्रीय स्तर पर यह बात पूछ चुका हूं, बताइए आपने लिखी, क्योंकि सरकार ने ही पुस्तिका छपवाई थी, छपवाई भी सरकार ने। मैं आज शाम तक ही मेरे पत्रकार साथियों को उसकी एक प्रतिलिपि अवश्य दूंगा ताकि आप पढ़ सके और उसके बारे में आपको अध्ययन हो। जिस देश के शासक के मन में गरीब समाज के लिए लेकर बंटवारे का भाव हो, भेदभाव का भाव हो, बड़े छोटे का भाव हो, अन्याय का भाव हो, तिरस्कार का भाव हो, क्या ऐसी सरकार गरीब समाज से न्याय कर सकती है? वाल्मीकि जयंती पर यह सोचने की आवश्यकता है साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों। जो प्रदेश में हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि जब मेट्रो चलने की वहाँ रोडवेज का भी चक्का जाम हो चुका है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक विपक्षी पार्टी के रूप में नहीं उभर के आ रही है हालातों में। सबसे पहले तो आज महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस का पखवाड़ा है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की ओर से, सब प्रदेश और देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी, उनके चिंतन, उनकी सोच, उनके रास्ते, उनकी दृष्टि पर हम कटिबद्धता और कर्तव्य परायणता से चलेंगे, इस बात की हम सौगंध लेते हैं। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी से लेकर प्रांतीय खट्टर साहब की सरकार तक गरीब समाज के अधिकारों पर अतिक्रमण करने में लगी है, गरीब समाज पर अत्याचार हो रहा है, भेदभाव, नफरत और बंटवारे का बोलबाला है, गरीब समाज आज तिरस्कार से ग्रस्त है जो भाजपा ही सरकारें हैं उनके, जिस प्रकार से गरीबों की स्कीम्स को बंद किया जा रहा है और उनके अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस प्रकार संविधान से भी छेड़छाड़ की साजिशें की जा रही हैं, हम ना केवल उसकी निंदा करते हैं पर इस कार्यक्रम से हमने आह्वान भी किया है और संकल्प भी लिया है कि हम गरीब समाज की आवाज बन उनकी लड़ाई निर्णायक तरीके से लड़ेंगे, जब तक हम सरकारों को उनकी ड्योढ़ी पर नहीं झुका देंगे। आज हरियाणा में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, एस्मा लगाकर कर्मचारियों पर दमन चक्र चलाया जा रहा है, एस्मा के माध्यम से कर्मचारियों की रोजी रोटी बर्खास्त की जा रही है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब बात तो करते थे जहाज उड़ाने की, अब उन्होंने रोडवेज को ही बंद कर दिया, बसों तक को बंद कर दिया। ये मुख्यमंत्री खट्टर साहब और उनकी सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नकारापन का जीता जागता ज्वलंत सबूत है। कभी आंगनवाड़ी वर्करों को सड़क पर डालकर पीटा जाता है, कभी कंप्यूटर और गेस्ट टीचर को मारा जाता है, कभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की नौकरियां निकाली जाती हैं, तो कभी एसएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में नौकरियों की बोली के खिलाफ विरोध करने वाले हमारे नौजवान साथियों को पीटा जाता है। और अब बारी आई है रोडवेज के कर्मियों की। क्या कह रहे हैं रोडवेज के कर्मी? वो केवल इतना कह रहे हैं कि अनाप शनाप रेट पर आप निजी क्षेत्र की बसें मत लगाइए। 48-50-50 रुपया किलोमीटर कैसे खर्चा आ सकता है निजी क्षेत्र की बस का? और सरकार, उनकी बात सही हो या उसमें कुछ कमी हो, सरकार माई बाप है। मुख्यमंत्री और सरकार का ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति की बात सुने, समझे और उसका कोई ना कोई निराकरण करे। परंतु एक अहंकारी सत्ता के नशे में चूर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी उल्टा कर्मचारियों पर उनकी एस्मा लगाकर उनकी नौकरियां बर्खास्त कर रहे हैं, ये हमें कदापि मंजूर नहीं। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के दमन चक्र के खिलाफ खड़ी है। कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए,
उनकी सब जायज मांगों का निराकरण होना चाहिए। याद करिए, कई बार जब मैं रोडवेज ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था और जब नहीं भी था, हर बार जब इस प्रकार की हड़ताल होती थी तो दो दो दिन दो दो रात बैठकर हमने कर्मचारी साथियों से अनुग्रह भी किया, अपना रोष भी दिखाया, परंतु आखिर में कुछ बात हमने मानी, कुछ बात उन्होंने हमारी मानी और कहीं बीच का रास्ता निकालकर पूरे मामले का हल निकाल दिया। पर क्या भारतीय जनता पार्टी अहंकार में इतनी ज्यादा ग्रस्त हो गई है, सत्ता के नशे में इतनी ज्यादा चूर है? क्या उनका अहंकार अब रावण से भी बड़ा हो गया है? अगर ऐसा है तो देश की जनता, प्रदेश की जनता, 2.5 करोड़ हरियाणवी, उन्होंने कई सरकारों का अहंकार तोड़ा है, खट्टर सरकार का अहंकार भी तोड़ेंगे। वाल्मीकि समाज के लोगों की अनदेखी हो रही है, 2.5 महीने से जो बेरोजगार ठेकेदारी प्रथा के नाम पे बेरोजगार कर दिए, वो हड़ताल पे बैठे हैं, सरकार का ना तो उनको नुमाइंदा से आगे बात करता, ना ही उनकी वो सुनता है। जैसा मैंने बताया साथी, खट्टर सरकार का अहंकार, सत्ता का नशा उनके सर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार खट्टर सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। जो सफाई कर्मचारी जिनको 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उनको तनख्वाह कौन देगा? क्या ये खट्टर साहब की जिम्मेवारी नहीं? जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे नगर पालिकाओं के हमारे कर्मचारी अगर अपना अधिकार मांगते हैं तो उनको दूतकार और पुलिस की लाठियां क्यों मिलती हैं? किसान को मोदी जी और खट्टर साहब पीटते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, और कर्मचारियों को पीटते हैं शहरों और गांव की सड़कों पर। जैसा मैंने कहा, आंगनवाड़ी वर्कर, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, NRHM के एम्प्लॉयज और अब रोडवेज के कर्मचारी, बारी बारी से सब खट्टर सरकार और भाजपा के कुशासन का कोप भाजन बन रहे हैं। पर वो दिन दूर नहीं जब भाजपा की सरकार को दिल्ली में भी और हरियाणा में भी अर्श से फर्श तक का सफर हरियाणा की जनता और देश की जनता तय करवाएगी। धन्यवाद।